کیہیو کرے تے کیہ جو ایم بغیر کرے آشی درامتی تے ونی مہمان تے ونی کم پروپ تے تے کیا کروں چھت چھت نہیں بی جے پی نے پرمٹ کر دیا ہے ہم نشانی چار سے میں کہ آپ ہمیں کاٹ سکتے ہو لیکن چھٹا نہیں سکتے ہو جیسے کہ آج میں نے دیکھا کہ पूरा कश्मीर इस सीजन में हार्वेस्टिंग सीजन होता है, किसी को 5 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। तो अपने बगीचे में धान की खेत में मशगूल है, लेकिन इस बरकस मैंने जो देखा है कि पूरे कश्मीर में, खासकर अपने इलाके की बात करूंगा, इस टाइम में अपने इलाके को मैं निकला था घूमने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, ये जनसैला बन गया। जैसे मैं रोड पे आ गया तो पूरा ये एक बड़ी रैली, बड़ी ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद मैंने आज राहुल गांधी जी हमारे जो श्रीनगर तक पहुंचे और उनका जो कुपवाड़ा खौर तक सोपोर भी हुआ है। अब उनकी जो आखिरी पड़ाव था डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, आज हमने उनके बदले पूरा कर दिया कि ऐसा लोगों ने प्यार और मोहब्बत दिखा दिया। यही लग रहा है कि इतना इस बिजी स्केड्यूल में जो आज हमारा हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, हम जिम्मेदार लोग हैं, सारे खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, सारा काम छोड़कर इस बदलाव के पीछे वो आ गए। यकीन नहीं है कि हर हर नागरिक के दिल में, दिमाग में यही है कि इस बार तो बदलाव होना जरूरी है। और खासकर जब जैसे कि उन्होंने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को साथ दिया, उनको कश्मीर की मजबूरी है, ना कि कश्मीर की, पूरे हिंदुस्तान की मजबूरी है। अगर हमें नौजवान नस्ल को बचाना है, अगर हमें रोजगार बचाना है, ये अगर हमें जवानों के लिए रोजगार चाहिए तो इंडियन अलायंस की जरूरत है। अगर हमें अपनी स्टेट, अपना विकार, अपना स्टेटस चाहिए तो इंडियन अलायंस का साथ देना बहुत ही जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से लोगों के अंदर ऐसा एंथुसिएज्म है कि वो चाहते हैं कि एक पहली बार तो हमें मिला है, ये तो हिस्ट्री बन गई है कि पहली बार इस इलाके में मंडेट मिला, वो भी इतना बड़ा मंडेट ग्रैंड अलायंस का। लेकिन उन्होंने भी ठान ली है कि इस बार हम भी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, जीत को और मनुष्य बनाते है। ये मैं नहीं है, ये चक्रपुरु की बात नहीं है, मैं मावर में था। आप अगर जाओगे तेरना तोंत्रेगुंड और ये क्या नाम है दरबल की तरफ, आप नहीं जा पाओगे। आप शानू से जो रास्ता जाता है, लिंगेट से तलवारी की तरफ जब आता है, हरिल जाता है, जहां से हमारे डीडीसी साहब रहते हैं, वो रास्ता आप देखोगे ना, उसने मावर में कुछ किया, ना गाजियाबाद में कुछ हुआ है, ना यहाँ हुआ, ना डीडीसी चेयरमैन साहब ने हमें किया। वो जो ऊपर वाला जो रोड हम देखते हैं, वो तो उनका बनाया हुआ नहीं है, वो बीकन का है, आर्मी के लिए बना हुआ है, वहां एक ब्रिगेड है, इसलिए वो रोड है। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोज के लिए हमारी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।